पंचायत के बीच में खड़ा होकर कहने लग रहा हूं, देखो और गणी बात का दबेरा को नया गोवाना हल्के की जमीन का लखानिया का हाथ काट दूंगा, लखान नहीं दूंगा सरकार ने, मुकदमा कर दूंगा जो छोरे आगे मेरे खिलाफ बोल पड़ा थे। मैं बोलन लाग रहा हूं कह दिन हो लिए सांस भी नहीं आ रहा, दस्त लाग रहे मेडिकल स्टोर पर गोली लिए जा। जब दोनों डाकू थारे बीच में बूढ़े बूढ़े एक कुण में बुला लियो एक ओर में बैठा लियो जय मरता दे काम भी करे पाजा जिंदगी में थारा छोरा मुंह नहीं दिखा होगा गारंटी है। और काका तवा की तरफ से भी अरस्यकारों को गांव क्रेवड़ी की तरफ से नमस्कार भाई साहब, और बाहर से जितने भी मंच पाए हुए बैठे हैं उन सभी को क्रेवड़ी गांव की तरफ से नमस्कार है, हार्दिक अभिनंदन है उनका। और भाई अरस्यकारा पहले भी आए थे, पहले थोड़े नाराज लग रहे थे, आज कुछ खुशी माहौल हुई है अरस भाई ने, हाँ क्रेवड़ी गांव में आए हैं और कुछ है हमारा भी अर्थ, इससे जाहिर हो रहा है अरस्यकारा खुश है आज अपनी कमेटी और भाईचारे को देख कर सबसे खुश है। और आप सबके बीच में भी अरस्यकारा बताऊंगे और आप सबको सभी को पता है भाई किस मकसद से किस वजह से यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। ठीक है सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातृ शक्तियां, सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे अरस्यकारा की हाथ जोड़कर राम 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 तो ले लिया गुरु जी, या हो राम राम भी कह के लेवानी पड़े है। एक तो हमारे सरपंच साहब जवान साथी है जवान भाई है, एक ही बात कहना चाहूंगा सरपंच साहब है मारे यारे आदमी थोड़ा हा बोलना और सीख लियो, इतने तवड़े बात ना खत्म मत करया करो, थारे बालक का तगड़ा बैठ लिया बोल बोल के, पूरे हिंदुस्तान में न्यू बेरा होगा कोई छकारा भी कोई ऐसा है वही समारे जो तुमने खवा पे रह क्या मन सारा अंगाला रह क्या अपनी ओढ़ते थे अपने क्रेवड़ी गांव के अंदर खड़े हैं। आप लोगों को बता देता हूं आप वो लड़ाके हो जो राजस्थान से चलकर यहां पर आए थे सन 1241 में, हमारे दादाजी थे कलीराम जी जिन्होंने इस गांव की बसासत की थी, एक बहुत बड़ा हत्यारा था। आप लोगों को बता देता हूं उस हत्यारे ने जब दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया जिसके नाम तक फिल्म भी बन रही है, फिल्म देखना चाहो वे फिल्म भी देख सको, अलाउद्दीन खिलजी बहुत भयंकर आदमी था, दिल्ली को जिसने तबाह करने की बार बार कोशिश की और जब दिल्ली तबाह होने लगी दिल्ली के चारों तरफ के जो बसासत से जो गांव बसाए जा रहे हैं दिल्ली के बीच में प्रकार लेके माप लियो 50-50 किलोमीटर दूर घूम लियो दिल्ली के चारों ओर के, ये वो योद्धा थे जिसने हर बार दिल्ली पर कब्जा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, जिस दिन गांव बसा था एतवार का दिन था पणवासी थी, आज भी एतवार का ये दिन है, थारा बालक थारे बीच में वोट मांगन नहीं आया जी, मेरा कुणबा अपने कुणबे से क्या की वोट मांगनी है, तार तो जोड़ी फला के एक बात कहने लग रहा हूं और यह जोड़ी फला के न्यू कहने लग रहा हूं, सारी बीजेपी थारे छोरे ने कून मला रहा की कर डे हो लो, आपके सामने दोनों योद्धा मैदान में आ गए हैं। बात करेंगे पहले बीजेपी आ रहेगी, लगभग 62 साल की उम्र, नाम डॉक्टर अरविंद शर्मा, एक बजड़े तो बन गया दोबारा मुंह नहीं दिखा अगर 5 साल में होगा इलेक्शन जीते पीछे न्यू मान लो बहु ही है आते घूंघट ठाकर मुंह दिखाई गालना पड़ेगा 11-21 हजार की माड़ा दिखेगा नहीं फ्री में, रोज तक मैं बनाया था तुमने ये इलेक्शन में दिखा होगा उस दिन यार दिखा नहीं है, बातें बड़ी बड़ी रुपया का ट्रक भर के लिया अगर छक्का बाट्यारा पहला तेन कहूंगे रुपया ना खाओ
और खाकर पिए वोट अपने छोरे न दो, अपने छोरे न जताओ, दोनों डाल तक पाड़ांगे, जितने खा रहा सारे काट लियो। 1996 में आप लोगों ने निर्दलीय सांसद बनाया था, दोबारा मुंह दिखाना आया ही जब इतना अच्छा होता, अरे निर्दलीय बना दिया था, बहुत बड़ी बात हो लोकसभा का सांसद बनना। निर्दलीय जब तुमने बना दिया था, थारे बीच में क्यों बाजा? और जो आदमी, जो हमारे बालक, जो हमारे भाई नौजवान तैयारी कर रहे थे बीजेपी ते, सारा का पत्ता काट दिया, एकला बाहर का मान साड़ लिया के पटक दिया। दूसरी तरफ ते मारा ताऊ जी विधायक साहब, मन्ने तो पत्रकार भाइया ने बताई, जब उनके खिलाफ छोटी ही को एड भी चला देते ना, नोटिस भेज दिया था तुरंत, मुकदमा कर दूंगा जब छोरे आगे मेरे खिलाफ बोल पड़िया थे। मैं बोलने लाग रहा हूं, कह दिन हो लिए सांस भी नहीं आ रहा, दस्त लाग रहे, मेडिकल स्टोर पर गोली लिए जा, कौन पे मेडिकल स्टोर पड़ा पांच यारा का तड़के सांझी सब गोर पीवर गोली मंगावे है। और सुनो, करड़े करड़े रही हो, मैं कहूं यो गाम राम कट्ठा कट्ठा हो लो, और कट्ठा होकर गैल गैल लाग लो, दोनों आगे जोरे खूटी पटंगवा दू, मौका पड़िया है, कुछ ना है, बूढ़े हो लिए खुंडी तलवार ले रहे, अपनी तलवार तो अपना हाथ कटवाऊंगे, और कुछ नहीं है। वे एक बात बता देता हूं आप लोगों को, अगर थारा बालक विधानसभा में पहुंच गया, विधानसभा में पहुंचने के बाद गांव के प्रांगण में खड़ा होकर कहने लग रहा हूं, जो काम 5 साल में नेता मंत्री करते हैं, 1 महीने के अंदर करके दिखाऊंगा, इस बात की गारंटी है। मेरी सरदारी तो एक बात और कहूं हूं, हमारे गांव के आदमी, हमारे हलके के आदमी, जिले के आदमी, हमारे विधायक ने की तो चौक पर खड़ा कर लियो, गारंटी देता हूं 70% आदमी शक्ल तो भी नहीं जानते सहकून, क्योंकि कदे काम करे हो, शक्ल दिखाई हो तो जाने, और थारे बालक के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होया है अपने आगे बता भी दूं, थारा बालक इतना बोधा तो सहकून है, थारे आगे रोन लग गया, पर इस दुख ने, इस पीड़ा ने महसूस करियो, 47 आदमी टिकट मांगे थे कांग्रेस पे, 2 आदमी आगा रोड़ा चल रहा था, थारे बालक का और ताऊ का, 2 तारीख ने टिकट फाइनल हो लेनी थी, 90 की 90 सीट थारे बालक के कारण रोकी रही। रोकने का कारण क्या था? सर्वे कराया था कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, 41% आदमी का कहना यो था उन्ने के सर्वे के हिसाब से, टिकट दो, 31% आदमी का ये कह रहा था विधायक ते दे दो, 28% जो बाकी आदमी बच गए उनमें कहने कह रहा था ये जो 45 कोशे ते दे दो, इताऊ तो मत दियो, ये बात के आगी 41% सर्वे में थारा छोरा जीत रहा। दूसरी बात, ये समाज सेवी होना चाहिए, बेदाग छवि हो, युवा हो, मेहनती हो, मेरे हिसाब से तुम्हारे आसपास इन मग कोई सा सह नहीं, जी इतने काम कर रहे हैं, और इतने काम करने के बाद भी थारे छोरे की टिकट कटने का कारण बताता हूं, ता ये अशोका होटल है सोनी पियाड है दिल्ली में, 5 स्टार होटल, जरा चाह भी 1400-1500 रुपया की मिल रहे है, उड़े थारा बालक बुला लिया टिकट बांटने आया ने मीटिंग थी, जो टिकट बांटनी थे ना, जो पार्टी के मालिक बन रहे, जब न्यू बेरा पार्टी छकारा भाई आ रहा है, जो वेटर थे काम करनी ये थे, सारे के धक्के मारे, 60-70 जने सोका होटल में कट्ठे हो गए, और उनके धक्के मार के बोले साइड हो मारे भाई गल फोटो लेने दो, उनके तो न्यू हो गया, जलन इस बात की होगी, यो छोरा एक सरपंच एमएलए की तो बहादुर मेंबर तक भी नहीं, और आज इसकी इतनी बूझ है, और काल में यो नेता मंत्री बन गया, इसकी कितनी बूझ होगी, कितने काम कर देगा, कितनी इज्जत हो जाएगी, उस इज्जत के मारे परे तो पहुंच जाए विधायक साहब,
ओट बड़ी मोटी गोज बोरा भर के लेके गया रुपया का। न्यू कही यही छोरे छोरे की टिकट काट दियो ना, मैंने की तेजो गा नहीं छोटागा। आप लोगों के बीच में बताता हूं, अंदाजा ला लियो इतने रुपया में टिकट ले रहा, इतने रुपया में तो सारे गामा की गाड़ बन जाए, सड़क बन जाए, इतना रुपया देकर। और जब टिकट लेकर आया है, पर एक बात और कहता हूं, मेरे दो रुपया ऊपर देख ले भाई, इतने देने लग रहा जैसे बत्ती देने का जोगाड़ो। थारा छोरा रहा है सोनीपत सेक्टर 23 में किराए के मकान में, मेरे दो रहने ये जी एक भी रुपया मन्नता जोड़ गए का बात कही। मेरी टिकट है, मेरा परिवार और मेरे बुजुर्ग अपनी ना दोहरे राख लो, फिर भी गोवांगे। आप सबको बता देता हूं, टिकट भी तम हो, वोट भी तम हो, सपोर्ट भी तम हो, थारे आगे सब कम फैल है। जब तम तम कर दे रहे, किसी के आगे हाथ पसारण की थारे बालक ने जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, काम करने की बात पर जब को थारे बीच में आवे न्यू कह आ भाई छोरे न्यू बता वोट किस बात पर दिया, वह बात तुमने बेरा होनी चाहिए। थारे इस बालक ने, थारे इस बेटे ने अकेले हरियाणा के अंदर नहीं, हरियाणा यूपी एमपी राजस्थान 1000 से ज्यादा वे बेटी ब्याह दी जिसके बाप और मां जिंदा नहीं थे। दूसरी बात, 150 से ज्यादा उन बाणा के बात भर दिए जिनके पाटड़े पर चढ़ने थी भाई भी नहीं था। पांच हजार से ज्यादा वे गरीब घर परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। दूसरी बात, जब जिस टाइम यो कोरोना आया, दुनियादारी नेता मंत्री सब अपने घर आकर मोटा ताला मार के सोए थे, उस टाइम पर थारे भी बालक ने गरीब की, दलित की, मजदूर की बीच में खड़ा रह के लगभग लगभग 5 लाख आदमियों को राशन खिलाया था, 5 लाख। अब आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, काम का नाम मंगना रहा हूं जी, ये सारे काम इस किताब में लिख रखी। गांव की पंचायत के बीच में यह किताब टेक के जाऊं हूं, जब दोनों डाकू थारे बीच में आवे बूढ़े बूढ़े, एक कूण में बुला लियो, एक ओर ने बैठा लियो, जय मरता दे काम भी करे पाजा, जिंदगी में थारा छोरा मुंह नहीं दिखाऊगा, गारंटी है। अगर थारा छोरा विधानसभा में चुनकर चलिया गया, टीवी में देखोगे तो न्यूज जान पाटेगी, मारे वाला तो एक लाए सारे नकून मला रहा, गारंटी दू। सीधी सी एक बात है, मारा जो हक होगा उसके लिए थारा बालक पसीने की जगह खून की आखिरी बूंद तक बा देगा, आंख नहीं जान देगा। और ना तो गुलाम हो लिए हो दबारे, उदाहरण दे दूंगा जी, जमीन पे बैठे हो थारी नहीं है या सरकारी स्कूल होगा जी, हो सरकारी होगा जी। इब सुनो गौरत है, सरकारी स्कूल जोड़ मंदिर मस्जिद गौशाला श्यामलात की जमीन पंचायती जमीन 2021-22 में मोदी ने नोटिस भेज दिया सितंबर के महीने में। सरपंच साहब आप दो रुपया था कि नोटिस आ जाएगा ते नोटिस ये दिए हैं, जितनी भी पंचायती जमीन है वे सरकार के अधीन रहेगी, थारा उन पर कोई कब्जा नहीं। सारी जमीना ने कब्जा लाग रहे, तुमने बेरा भी नहीं पटगा ना रहे, 10 साल में कदाड़ा अंबानी अडानी का मोल खुल्या पाओगा, अडान के थारी भी टिकट लाग गएगी, जमीन थारी बरतेंगे वे, जोड़ थारा बरतेंगे वे, पानी खत्म करने लाग रहे हैं थारे हल्के में 20 गांव ताज भी तसाई मर रहे हैं, 30 गांव में पानी नहीं लगता बाहर, हर गांव की हालत ये कर दी, ज्यादातर घर मारो टंग रहे, पीने का पानी नहीं रहा, पानी के कारण सबसे ज्यादा कैंसर फैलन लाग रही है। लगाए थे जब तो ये टीके के कहा करते वैक्सीन, उसके कारण 30-30 साल का 20-20 साल का कभी अटैक पड़न लाग रहा है, कारण नहीं डॉक्टर ने भी नहीं जान पाटती। थारे बीच में डर का ऐसा माहौल बना दिया है भाई, ना जी ने सुआ लगाया, सरकारी कोई लाभ नहीं मिल लगा, सरकारी कोई सुविधा नहीं मिल लगी। आधार कार्ड जो बनाया था
वो आधार कार्ड एक ईसा सौदा है क्या इतना बात सकते थारी पल पल की खबर सब क्या है गिराख है सरकार थारते का बात कहूं थारे बीच में कति चौपाट गए इस पंचायत के बीच में खड़ा होकर कहने लग रहा हूं देखो और गणी बात का दे बेरा कोई नया गोवाना हल्के की जमीन का लखानिया का हाथ काट दूंगा लखान नहीं दूंगा सरकार ने आधा प्रधानमंत्री होगा मोदी 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 नीचे मोदी का बाप आ जाइयो अपनी जमीन ने नहीं जान दूंगा इस बात की गारंटी हुई है एक बात और है अगर दूसरी नेगेटिव बात ले लो बात छोड़े ना देते तेरी वोट मेरी वोट नहीं दोगे घरा तो किसी ने राखनी नहीं किसी ने किसी की तो दोगे उन दोनों में एक भी खास बात बता दो न्यू का न्यू उल्टे पाया चला जाऊंगा एक भी खास बात बता दो थारे बीच में एक बीजेपी आ रहा तो न्यू कहना होगा उन एक का बात पर वोट लेनी जाट नॉन जाट हिंदू मुसलमान इन तेरी उनके पास तो बात नहीं है जी वो तो कित खाते में नहीं बीजेपी तो कित कंपिटिशन में नहीं ईसा मानस आ रहा है उसने तो उससे क्या हरा लेंगे जिनकी टिकट कटरी सबके फोन आवे हैं सब न्यू कहने लग रहे छकारा तू तू करड़ा रही है तड़ा तड़े की गोभी आप खोद देंगे दूसरा बच गया यो ताऊ यो एक बात का अगरा बात कर लिया उड्डा साहब के हाथ मजबूत करियो जी उड्डा साहब के हाथ मजबूत करियो अरे पांच ब बना दिया अपने नाम पर भी वोट मांग ले को एक का बात कहने लग रहे हा तारे बीच में पहले भी कही थी इतना खुल लिया कोई नहीं बोल लिया रे बने पीछे उड्डा साहब तिलहरे की तो जाएंगे भी नहीं इस बात की गारंटी है इस तो पेंडा छुट जाएगा उड्डा साहब का भी थारा भी और हमने काम करने का मौका मिल जाएगा आप लोगों ने इतने प्यार से मेरी बात सुनी इतना मान सम्मान दिया इस गांव की सरदारी का शीश झुकाकर धन्यवाद करता हूं और ये जो मेरी माँ बैठी है थारते एक बात कहूं हूं मेरे हिसाब से गांव में भी एक छोरी बहन का मौका मिल गया था शायद आया था मैं इबी करेवड़ी ते आया हूं एक ती गरीब छोरी का कन्यादान करके बड़वासनी तो माफी चाहूंगा 21,000 रुपये उड़ा सहयोग करने का मौका मिल गया है दूसरी बात यह है हाथ बांध रेख्या चार संहिता लग रही है एक एक रुपये का हिसाब ले है को माड़ा भी गाल दे है ना रुपया की ऊके भी फोटो खींच ले छकारा तो लोग लूटन लग रहा है तो थारा प्यार बनया रहो न्यू का अगर ना तन ते मन ते धन ते गल हा धन ने दोर रख लो तन्नर मन मन ने दे दो 20 दिन में काया पलट देंगे जी हल्के ग्यारह तारीख ने नॉमिनेशन फार्म भरांगे गवाने तो चल लांगे सोनीपत भरण चल रहा है सुबह 9 बजे गवाना पहुंच लियो सारे जब गवाना नहीं पहुंच सकते गांव के अड्डे पर जी दो ट्रैक्टर ट्रेली जेसीबी मशीन ट्रक आई हुआ बग्गी जोटा जो के में हो सब के में लेके खड़े हो जियो कहने की बात या देसी भाषा में नहीं कहा अगर सिस्टम जाम करना है 10,000 गाड़िया का काफला लेकर होगा थारा बालक न्यू दिखना चाहिए कौन बाग तैयार खड़ा है 11 तारीख की सामने चुनाव जीत लेंगे हम 5 की बात देखा को नहीं सारी सरदारी ने राम राम सारे ने कोई गलत शब्द मेरे मुख से निकले हो थारा बालक हूं थारा बेटा हूं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं और इजाजत चाहता हूं इब अपने अगले गांव जुआ में जाना है अगर इजाजत हो तो उड़े समय पर पहुंच जाएंगे सारी जरदारी ने फिर एक बार हाथ जोड़ के कहूं राम राम जय हिंद।